बघारा फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां यह कर्मचारी अपनी एक अलग तरह की शिकायत लेकर कलेक्टर महोदय से मिलने पहुंचे थे। कर्मचारियों में सरजन सिंह धाकड़ ने बताया कि वे कुछ दिन पूर्व अपनी बहन के बेटे की शादी के लिए गया था, जिसके लिए उसने बकायदा कंपनी से पहले से छुट्टी ले रखी थी। वहीं अचानक कंपनी की तरफ से एक फरमान जारी होता है, जिसमें उसकी छुट्टी निरस्त करने की बात कही जाती है। सरजन सिंह ने बताया कि किस तरह से उसे जबरिया नौकरी से निकालने की कोशिश फैक्ट्री प्रबंधन कर रहा है। इसके साथ ही उस पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि वे कर्मचारियों को भड़का कर उनसे काम नहीं करने दे रहा। इस बात के लिए अन्य कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे एक आवेदन लिखकर सरजन सिंह की शिकायत करें, जिसमें लिखें कि सरजन सिंह उनसे काम नहीं करने दे रहा। ऐसा करने वाले कर्मचारियों को तो प्रबंधन द्वारा काम पर रख लिया गया है, और जिन लोगों ने ऐसा लिखने से मना कर दिया उन्हें फैक्ट्री में काम नहीं करने दिया जा रहा। ऐसी ही शिकायत लेकर आज कई कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। अब देखने लायक होगा कि किस तरह से कलेक्टर इनकी शिकायत का निराकरण करते हैं। समस्या है हमारी कि मैं दिनांक 6/5/2015 से मैं गुंडी से 15 तक छुट्टी पे था। इस बीच में मेरे को बुलाया उन्होंने कि आपकी छुट्टी निरस्त की जा रही है, जबकि मैं कार्यालय से पहले एडवांस में छुट्टी लेकर गया था। मेरे भांजे व भतीजी की शादी थी, मैं नहीं आ पाया, तो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं ड्यूटी नहीं आ रहा हूँ, और मेरे साथी भाइयों को मना किया, जबकि ऐसा नहीं है। वो मेरे को निकालने के चक्कर में ऐसा वर्करों से ज़बरदस्ती लिखवा रहे हैं कि उसके खिलाफ लिखो कि उसने मना किया है, वो नहीं लिख रहे हैं, तो सारे वर्करों को भी बाहर कर रहे हैं। अच्छा, आपको निकालने के चक्कर में इन सभी को परेशान कर रहे हैं? इन सभी को परेशान कर रहे हैं। ये अगर लिख के देते हैं तो अंदर जाने देते हैं, और लिख के नहीं देते हैं तो इनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और इनको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो कुछ व्यक्ति से दबाव बना के धमका कर लिखवाया है, उनको भी परेशान किया जा रहा है। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में भेजा जा रहा है किसी को। बार बार ड्यूटी 8 घंटे की होती है, लेकिन 12 से 16, 20, 24 घंटे तक कराया जाता है। कलेक्टर साहब को आवेदन दिया आपने? वही देने के लिए जा रहे हैं।